सौरों ने बलिदान भी दिया है, सौरों ने त्याग भी दिया है, सौरों ने गर्दनें भी कटवाई है देश और धर्म के लिए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सौरों ने सबका शोषण किया, सभी को आहत किया। सौरों की जो संख्या आज कम हुई, सिर्फ लड़ करके ही कम हुई, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। बलिदान जिनका ज्यादा है देश के लिए, उनको सबसे ज्यादा व्यवस्था दिया जाए। और जिस दिन बलिदानों की गणना होगी ना, हमारी जात सबसे आगे। जो झोला और झंडा ढोने की बात आप कह रहे हैं, तो अब क्या है कि सौरों के अस्तित्व पर बनाई है। अब या तो ये लड़ेंगे या तो ये मरेंगे। अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो इन्हें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यह इनको संगठित होना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। जिस शख्स से मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है सर्वेश पांडे और ये स्वर्ण सेना के चीफ है और लगातार ये विवादों में रहते हैं अपने तीखे शब्दों के लिए। और ये आज उत्तर प्रदेश से चलकर सासाराम पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने विवादों में क्यों रहते हैं? नहीं, विवाद में रहते नहीं, लोग विवाद में ले आते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, एक उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, एक मिशन पर काम कर रहे हैं, और लोग उस काम को विवादित बना दे रहे हैं, तो वो उनकी धारणा हो सकती है, लेकिन मैं जानबूझकर तो विवाद में नहीं रहता। आप स्वर्णों की बात करते हैं, लगता है कि स्वर्ण एकजुट हो पाएंगे? लगातार आप एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। राजपूत का अलग एक गठबंधन है, ब्राह्मण का एक अलग गठबंधन है और भूमिहार का एक अलग गठबंधन है, फिर इसके बारे में क्या कहिएगा, किस तरह से संगठन कीजिए? नहीं, हमारा जो प्रयास है वो प्रयास काफी स्तर पर सफल भी हो रहा है। और आज से 4-5 साल पहले जब मैं अपने घर से निकला था, तो मैं समझू कि एक तरीके से अकेला ही था, कोई साथ में नहीं था, लेकिन आज लाखों सवर्ण मेरे साथ खड़े हैं। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले 10-20 साल में एक बहुत बड़ी संख्या में पूरा समाज जगेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा। ऐसा नहीं लगता है आपको कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं किसी का झोला लेकर ढोते हैं, किसी इस पार्टी को, कोई उस पार्टी को, और लोग बात करते हैं एकजुट होने के लिए, ऐसे में हमको नहीं लगता है कि स्वर्ण समाज के लोग एकजुट हो सकते हैं? देखिए, ये जो झोला और झंडा ढोने की बात आप कह रहे हैं, तो अब क्या है कि सौरों के अस्तित्व पर बनाई है। अब या तो ये लड़ेंगे या तो ये मरेंगे, इनके पास सिर्फ दो विकल्प है, या तो ये लड़ेंगे या तो ये मरेंगे। ठीक है, इन्हें अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो इन्हें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यह इनको संगठित होना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति में। कहा जाता है कि लोग कहते हैं, मैं जाति विशेष के लोगों को नहीं कहना चाहूंगा, कि 100 में 90 भाग हमारा है, ये कहां तक सही है? ये गलत बात है, 100 में 90 भाग हमारा है, भारत सबका है, किसी जात विशेष का भारत नहीं है। भारत में हमारा सबका योगदान है, हमारा सबका बलिदान है। रही बात जो 100 में 90 की बात, तो उनका जो मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कारण है कि जिनको ये लग रहा है कि जात जिनकी ज्यादा है उनको व्यवस्था दिया जाए, तो मैं कहता हूं कि बलिदान जिनका ज्यादा है देश के लिए, उनको सबसे ज्यादा व्यवस्था दिया जाए। और जिस दिन बलिदानों की गणना होगी ना, हमारी जात सबसे आगे रहेगी। आप जिस तरह से लगातार कह रहे हैं, और स्वर्ण जाति के जो नेता हैं, अगर स्वर्ण के साथ कोई घटना अप्रिय घट जाती है, वहां खुलकर बोलने के लिए नहीं आते हैं सामने, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा गया है कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, मतलब जिस देश और जाति में हमारा जन्म हुआ है उसके लिए अगर बलिदान होना पड़े तो हो जाना चाहिए। तो ये इसी बात से सीखना चाहिए हमारे समाज के नेताओं को कि अगर जाति पर कुछ आती है तो हमें लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। खासतौर पर स्वर्णों को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, जो राजनीतिक पार्टियां के जो अलग अलग नेता हैं खासतौर पे स्वर्णों को टारगेट करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि जो स्वर्ण है कहीं से न कहीं से लोगों को आहत करने का प्रयास किए हैं। देखिए, कारण क्या है कि ये गलत आरोप लगाया जा रहा है कि सौरों ने सभी को आहत करने का प्रयास किया है। सौरों ने बलिदान भी दिया है, सौरों ने त्याग भी दिया है, सौरों ने गर्दनें भी कटवाई है देश और धर्म के लिए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सौरों ने सबका शोषण किया, सभी को आहत किया है। सौरों की जो संख्या आज कम हुई, सिर्फ लड़ करके ही कम हुई, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये गलत आरोप है एकदम। ब्राह्मणों पे खास तौर पे लगातार ये आरोप लगता है कि समाज को बांटने का काम ब्राह्मण ही करते हैं, जो तीखे शब्दों से समाज में जहर घोलते हैं और जिस तरह से भेदभाव प्रकट करते हैं, लगातार इन लोगों पर आरोप लगता है। ये बहुत महामूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं जो ब्राह्मणों के ऊपर बांटने का आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, मतलब सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ब्राह्मण हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, मतलब पूरा पृथ्वी जो है हमारे परिवार के हैं। इस भावना से ओतप्रोत जो ब्राह्मण जो है हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचता है, धर्म के बारे में सोचता है। ब्राह्मण कभी स्वार्थी नहीं रहा, ब्राह्मण कभी अपनी जात के बारे में नहीं सोचता, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचता है। ब्राह्मणों को तो लगातार कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो सनातन के बारे में ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण ही हैं जो भेदभाव बनाए हुए हैं।
नहीं, उनकी अपनी मानसिकता है। जो ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था थी वो जात के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। कर्म से कोई ब्राह्मण बन सकता था, कर्म से कोई क्षत्रिय बन सकता था, कर्म से कोई वैश्य बन सकता था, कर्म से कोई शूद्र बन सकता था। आज जो भेदभाव है ये तो भारत के संविधान की देन है। हमारे में तो सिर्फ 4 जातियां थी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, आज तो 2200 जातियां इस देश में, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ ये झूठे आरोप ब्राह्मणों पर लगाए जा रहे हैं टारगेट करने के लिए, और कोई मतलब नहीं उसका। क्या लगता है आपको कि स्वर्ण को एकजुट कर पाइएगा, स्वर्ण को संगठित कर पाइएगा या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और करने के लिए कर रहे हैं प्रयास सब। जैसे कि अभी आपने सर्वेश पांडे से सुना, सर्वेश पांडे का साफ तौर पे कहना है कि स्वर्णों के लिए लगातार मेरे द्वारा लड़ाई लड़ा जा रहा है और स्वर्णों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, और लगभग उनका जो मिशन है पूरा हो चुका है और आने वाले 2-3 सालों के अंदर सारे स्वर्ण है जो इकट्ठे हो जाएंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।